नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। पेज नंबर 83 से शुरू करते हैं। स्पेशल वीडियोस। वह बंगले के उत्तर में रहता है। जिस प्रकार फैक्चुअल प्रश्न पूछे जा रहे हैं यूपीपीएससी में, तो यहाँ हमें जनघनत्व में क्रमानुसार राज्य रखने हैं, याद रखने हैं। वह का मतलब बिहार, बंगले बंगाल, केरल, उत्तर उत्तर प्रदेश, रहता है हरियाणा। ह से हरियाणा, मतलब हरियाणा याद रहे ना रहे। वह बिहार का सर्वाधिक है, उसके बाद बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तुरंत बाद हरियाणा। ये जनघनत्व में भारत के जिले हैं। डिजिट भी 1102, 1029, 859, 829 और 573। दिल चल पड़ा कहीं किसी और, दिल चल पड़ा। दिल दिल्ली का सर्वाधिक है, फिर चल चंडीगढ़, फिर पड़ा पांडिचेरी। दिल चल पड़ा, अगर केंद्र शासित प्रदेशों में क्रम में लगाने के लिए प्रश्न आ जाए तो। अरुण मजे से सिम लाया। देखिए, जनघनत्व तो ऊपर तो रहा सर्वाधिक, अब कम वाला और देखिए। अरुण मजे से सिम लाया। अरुण मजे से अरुणाचल का 17, मजे मिजोरम का 52, सिम सिक्किम का 86। आगे चलते हैं। करवे समिति लघु उद्योगों से संबंधित है। 1955 में इसका गठन हुआ था। पर्वतीय क्षेत्र में वैज्ञानिक मछलियों को कांच में रखते हैं। आपके घर में हो सकता है एक्वेरियम हो, जहां कांच में मछलियां रखी जाती हैं। मछलियों को कांच में रख रहे हैं। बस थोड़ा सा याद रखना है कि वैज्ञानिकों ने ही बनाया वो पर्वतीय क्षेत्र में। 2022 को यूएन कैसे कैसे सेलिब्रेट कर रहा है। सतत पर्वतीय विकास क्षेत्र, पर्वतीय का मतलब सतत पर्वतीय विकास वर्ष कौन सा मना रहा है यूनियन, 2022। वैज्ञानिक, सतत विकास हेतु विज्ञान 2022। मत्स्य और जलकृषि वर्ष 2022। कांच, अंतर्राष्ट्रीय कांच वर्ष 2022। मतलब चार हैं ये, पांचवा भी है, आगे याद भी कराता हूँ आपको पांचवा भी। तो ये चारों जो हैं 2022 में ही मनाए जाएंगे। शांति की कोठरी से बाजरा ऊंट ले गए। शांति की कोठरी से बाजरा ऊंट ले गए। शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष 2021। कोठी, कुटीर उद्योग विकास से संबंधित वर्ष 2022। बाजरा, अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष 2023। और ये है 21-22-23। और ये ऊंट, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष 2024। कदन 23 में है और ऊंट वर्ष 24 में है। थोड़ा ठीक कर लीजिए ना, कोई बात नहीं है उसमें। ये 2023 है और ये 2022 है। ये वाला सही है, 2023-2024। आगे का दिखाता हूँ आगे की वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय।